गुड मॉर्निंग। लेसन 3, टैरोस रिवार्ड, यानी कि टैरोस का उपहार। ये कहानी है एक थॉटफुल एंड लविंग सन, जो अच्छा समझदार और बहुत ही प्यारा बेटे के बारे में। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ये बहुत मेहनत करता है जो उसके पिताजी के आशीर्वाद, अपने मम्मी पापा के, और बहुत उनके लिए हर तरह से वो करना चाहता है काम। ए यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक नौजवान लड़का था लकड़हारा, जिसका नाम था टैरो, जो अपने मम्मी पापा के साथ में हिल साइड, यानी कि पहाड़ी की, वहाँ पहाड़ी पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। सारा दिन वो लकड़ियाँ काटता था, फिर भी वो जितना लकड़ियाँ काटता था उससे उसको उससे बहुत कम पैसे मिलते थे। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। जब उसको पैसे कम मिलते थे तो वो बहुत उदास हो जाता था, फिर भी वो यही सोचता था कि नहीं, जैसे उसके मम्मी पापा उसके बारे में सोचते तो उससे कई गुना ज़्यादा उसके लिए वो उसका हेल्प करें। हर परिस्थिति में जो उनको चाहिए वो सब कुछ उनको देने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। वन इवनिंग वेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम वो जब वो तीनों के तीनों अपने घर में ही एक कॉर्नर में बैठे हुए थे झोंपड़ी में, इतने में बहुत तेज हवा चली थी। इतनी तेज हवा चल रही थी कि जैसे उसमें से सीटियाँ निकल रही, और वो सीटें भी जैसे कभी कहते हैं ना आंधी में, जैसे आंधी की हवा की आवाज़ कैसे आती है उस तरीके से। और उनकी झोंपड़ी है तो उनकी झोंपड़ी भी मतलब बीच बीच में से ना तिनके वगैरह ऊपर से निकले हुए थे, रूफ वगैरह, तो उस छीट में से उनको हवा इतनी ठंडी आ रही थी कि उनको भी ठंड लगने लग गई थी। इट विजल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। सडनली टैरोस फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो इतने में ना उसके पापा टैरोस के पापा उसे कहते हैं कि इतनी ठंड लग रही है तो मैं चाहता हूँ कि अपन लोग शेक पी लेते हैं। शेक यानी कि एक जैपनीज का एक ड्रिंक होता है, जैसे अपने में चाय वगैरह होती है ना, जैसे गर्माश आ जाती है उसी तरीके से। तो उसने कहता कि अपन शेक पी लेते हैं जिससे कि मेरी अंदर में छाती में जैसे गर्माश आ जाएगी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। इस तरह से वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो बात है, जब उसके पापा कहते हैं सेक पीने का, तो ये चीज़ उसको बहुत ही ठेस पहुँचाते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सेक पीऊँ, जो बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत कीमती होती है उस चीज़ का। हाउ डू आई अर्न मनी, मैं इसके लिए मैं कैसे पैसों की व्यवस्था करूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही पूछने लगा कि मेरे बूढ़े पापा मुझसे ये चीज़ पीने के लिए चाहते हैं तो मैं इस चीज़ को कैसे ला के दूँ उनको, और मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए वर्क करूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई फादर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड देन बिफोर। यानी कि फिर वो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने लग गया, जितना वो पहले नहीं कर रहा था उससे भी कई गुना ज़्यादा वो मेहनत करने लग गया था उसको लेके आने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन एज यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। दूसरे दिन सवेरे टैरो बहुत जल्दी उठ गया था, सवेरे जैसा हमेशा उठता है उससे भी पहले आज वो उठ गया था ही, और वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। ही चोपड़ एंड कट एज द सन क्लाइम। उसने इतना मतलब लकड़ियाँ काटनी शुरू की, मतलब काटता गया तो सन, सूरज जो है एकदम उसके ऊपर तक आ गया था। एंड सोन ही वॉज सो वॉर्म
दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. फिर उसको इतनी वो लकड़ियाँ काटते काटते उसे इतनी गर्मी लगने लगी थी कि उसको अपना जैकेट खोलने पे वो मजबूर हो गया. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेरी वेट विथ स्वेट. उसका मुंह सूखने लग गया और पसीने से लथपथ हो गया और उसको गला सूखने की वजह से उसको उसकी तेज़ प्यास लगने लगी थी. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज वॉर्म एज इज. एंड दैट एंड विथ दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वॉर्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. तो फिर वो उसको अपने मन में ये बात आ रही थी कि मेरे जो बूढ़े पापा हैं उनकी बहुत इच्छा है कि वो शेक पी सके और उनके हड्डियों में वापस गर्माश आ जाए ताकि वो खुश हो जाए. इसके वजह से उसने बहुत लकड़ियाँ काटी. हर दिन जो लकड़ियाँ काटते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसने लकड़ियाँ काटी थी कि ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसके मिल सके. देन सडनली टैरो स्टॉपर चोपिंग, वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. अचानक क्या होता है, टैरो जो लकड़ियाँ काटता रहता है वो स्टॉप कर देता है क्योंकि उसको ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देती है शायद. Could it be possibly be rushing water? वो ये कहता है कि क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ है, सही हकीकत है ये बात. टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. ही वॉज थर्स्टी. द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. टैरो अपने आप में ये सोचता है और कहता है कि आज तक मैंने तो कभी यहाँ पे झरना देखना या फिर उससे बहता हुआ पानी की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी है इस जंगल के अंदर. वो बहुत प्यासा तो था और उसने अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसको नीचे पटकी और वो उधर उसकी उस तरफ में दौड़ा जिस तरफ में उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही थी. टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक. उसने देखा कि एक पानी का जो झरना है वो बह रहा है एक चट्टान के ऊपर से. क्लीनिंग एट ए प्लेस विद द वाटर फ्लोर क्वाइटली. जहाँ से वो देखता है कि वहाँ से पानी नीचे गिरता हुआ उसको दिखाई दे रहा है. ही कपड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. वॉज इट वाटर. तो वो उसके हाथ झरनों से जो पानी बहता रहता है उसने अपने दोनों हाथों को इकट्ठे करके यानी कि कप की तरह और उस पानी को लिया और उसने अपने होठों से लगाया था. वो जैसे एक घूंट पीता है तो वो कहते क्या ये पीता नहीं है सॉरी उसके अपने होठों को लगाता है. लगाते ही वो कहते क्या ये पानी है. इस तरह से वो अपने आप को पूछता है. और बस इट शेक या फिर ये शेक है. He tasted it again and always it was a delicious shake instead of cold water. तो वो दोबारा से उसको टेस्ट करता है. एक बार करता है, दो बार करता है, उसको बार बार जैसे उसको टेस्ट करता है, उसको पीता है तो उसको पता चलता है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट शेक है, ये तो पानी नहीं है. इस तरह से वो अपने आप को कहता है, अपने आप से बात करता है. टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक. टैरो जल्दी से जो अपने साथ में जो बॉटल रखता है उसको उससे फिल कर लेता है और जल्दी से घर की तरफ में दौड़ता है और वो अपने बूढ़े पापा को वो जब वो दिखाता है टेस्टी शेक तो वो इतना आश्चर्य करते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जब वो लेके आता है पिक्चर भर के तो उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं वो देख के. तो वो एक सेकेंड के लिए उसको पीना तो छोड़, वो वहाँ पे एक लेते ही वो मतलब वहीं पे अपना शिवरिंग होने लगता है. ही स्टॉप्ड शिवरिंग. जब वो थरथरा रहा था तो वो उसकी थरथराहट रुक जाती है और फिर वो एक डांस करना शुरू हो जाता है, आंगन में डांस करने लग जाता है वो खुशी से.
That afternoon, a neighbor stopped for a visit. Through Taro's father politely offered her a cup of the sheep. The lady drank it greedily and thanked the old man. उस दिन दोपहर को उनका पड़ोसी है जो उनके घर पे आता है उनसे मिलने के लिए। वो पड़ोसी एक औरत थी, लेडी थी। टैरोस फादर उनको ऑफर करता है, उनको मतलब एक कप शेक उनको भी देते हैं। तो वो जल्दी से पीती है, मतलब उसको इतना जल्दी जल्दी पीती, ग्रीडली यानी कि जैसे बस पीती जो पीते जो जल्दी जल्दी पी के और उनको थैंक्स बोलती है उस ओल्ड मैन को। Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. फिर उसके बाद में वो अपने मम्मी पापा को वो सारी मैजिक स्टोरी जो है ना वाटरफॉल की, जो झरना बहा है वगैरह, सारी की सारी बात उनको वो बताता है और वो उसको थैंक्स कहते हैं और वो औरत उनको थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक ही शी लेफ्ट इन ए हरी। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. रात होते होते तो वो सारी की सारी जो कहानी है कि भाई इस तरह से उनको मैजिक वाटरफॉल वहाँ पे मिला, वो उसने शेक लिया, मैंने पिया, ऐसे करके वो सारी की सारी जो कथा है वो पूरे गांव में फैला देती है। रात होते होते सबको पता चल जाता है। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. ऐसे शाम होते होते उसके घर में एक लंबी सी कतार लग गई थी। वुडकटर्स आते हैं, उनसे वो बात पूरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं और फिर उसके बाद में वहाँ का जो वो लेके आया था शेक अपने उस घड़े में भर के सबके साथ एक एक सिप कर कर पीने लगे। वो पीते पीते पी के चले जाते थे और कुछ ही देर में देखते हैं, कुछ ही घंटों में वो पिक्चर जो होती है वो पूरी खाली हो जाती है। पिक्चर मतलब घड़ा, जो वो घड़ा है शेक का, वो धीरे धीरे करके सारा का सारा खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। दूसरे दिन सवेरे टैरो बहुत जल्दी उठ गया था लकड़ी काटने जाने के लिए, जैसे हमेशा उसे उठता है उसे पहले, और वो अपने साथ में एक बहुत बड़ा घर में जो था उसमें सबसे बड़ा वाला जो मटका है वो साथ में लेके गया था। उसने कहा था कि मैं ये सबसे बड़ा वाला मटका है ये भर के लेके आ जाऊँ और वहाँ जाके, और वो ये सोचता है अपने मन में कि मैं पहले वहाँ जाऊँ वाटरफॉल पे जहाँ मैं इसको पहले भर सकूँ, फिर उसके बाद में लकड़ी काटने जाऊँगा। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे जितने भी उसके पड़ोसी वगैरह थी सब के सब वहाँ पे पहुँच गए हैं और सब अपने साथ में घड़ेन, जार, बकेट, बाल्टियाँ ये सब ले जाके वहाँ पे उन्होंने रख दिया था कि वो लोग भी अपने उन घड़ों को और को उस मैजिक शेक से भर लें। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no shake, only cold water. जब वो वहाँ पे पहुँचे देखा तो उसमें से एक गांव वाला जो था उसने क्या किया, अपने घुटनों के बल जैसे झुक के और वो झरने का पानी अपने हाथों से कप ऑफ अपना हाथ को कप जैसे बना के वो उसको पीने लगा था। जब उसने पिया तो उसको बार बार पी रहा था तो उसको ये लगा कि पहले पिया तो उसको पानी जैसा टेस्ट लगा, फिर उसने पिया फिर वो पानी जैसे टेस्ट आ रहा था। तो फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी, ऐसे करके वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब झूठ है इस तरह से। तो फिर ऐसे दूसरे भी गांव वाले होते हैं ना वहाँ पे जो पड़ोसी वगैरह, वो लोग भी सबके सब टेस्ट करके देखते हैं तो वो सिर्फ पानी होता है, एकदम ठंडा पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं, वो जो शेक शेक बोले थे वो शेक नहीं होता है, सिर्फ पानी ही उनको मिलता है वहाँ पे। When he been tricked, shouted the villagers, "Where is Taro?
let us drown him in this waterfall. But Arrow had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. जब वो लोग ये पानी का टेस्ट आता है उनको, तो वो लोग गुस्से से चिल्लाते हैं कि ये सिर्फ एक धोखा है। कहाँ है वो टैरो? उसको पकड़ के लेके आओ और उसको इसी झरने के अंदर में उसको डुबा देते हैं। बट टैरो उसको, वो थोड़ा चतुर था, वो क्या किया था, एक रॉक के पीछे में छुप के देखने लगा और उसको ये होने लगा कि ये लोग सबके सब उसी को ही ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसको उसमें डुबा सके। इस तरह से तो वो वहाँ पे चट्टान के पास में, चट्टान के पीछे में छुप के देख रहा था कि क्या हो रहा है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sheik a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sheik. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sheik to everyone else. It gave only cold water. मटरिंग देर एंगर, मतलब मटरिंग का मतलब गुस्से से जो बोलना है तब बड़बड़ाते हैं ना, उसे कहते हैं मटरिंग। तो वो लोग ऐसे गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसको ढूंढने लगे थे, मगर वो डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि वो उसको वहाँ पे नहीं मिला था। ऐसे करके सबके विलेजर्स एक एक करके सबके सब चले गए थे। फिर टैरो वहाँ से निकलता है और वो देखता है, वो ये अपने मन में सोचता है क्या ये सच है, ये हकीकत है या फिर एक सपना है जो मैंने, जो शी कल पिया था या मैं लेके गया था। तो फिर उसने क्या कहा, वो सोचता है कि एक बार मैं फिर से अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि क्या सच में ये पानी है या क्या है। फिर वो अपने हाथों में लेके और अपने होठों को लगाता है तो फिर उसको वही टेस्ट आता है शेक का, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना स्वादिष्ट टेस्ट शेक का उसको मिलता है। तो फिर वो कहते हैं अपने आप को सोचते हैं, मतलब ये जो झरना है ये उसी अच्छे सोच विचार ईमानदार को ही वो दिया है मैजिक वाटरफॉल ने, उसको डिलीशियस शेक, और उसके अलावा सबके लिए सिर्फ पानी ही रहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मेहनती भी था और प्लस अपने मामा, अपने पापा मम्मी के प्रति बहुत ही ईमानदार और दयालु था और अपने आज्ञा का पालन करता था, इसीलिए उसी को ही ऐसा अच्छा सा से स्वादिष्ट शेक मिला था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. ये कहानी एक टैरो की है और उस गांव के अंदर में एक वाटर मैजिक फॉल की, जिसकी जो चर्चा है वो उनके वहाँ के जो राजा को था ना एम्परर, वहाँ तक भी उनके पास में ये बात पहुँची। तब उन्होंने उस टैरो के लिए रिवार्ड भेजा था 20 पीसेस ऑफ ओल्ड कॉइन, यानी कि 20 टुकड़े सोने के, जैसे कहते हैं ना सिक्के, वैसे वो उसने भेजा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नेक और दयालु लड़का था जो अपने पापा मम्मी के प्रति बहुत ही अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि अच्छे से मन भावना से वो सेवा करता था, और उसका वहाँ पे नाम हुआ था, उस फाउंटेन जो ब्यूटीफुल फाउंटेन वहाँ पे लगाया गया था उसका नाम टैरो रखा गया था। और सबके लिए, सारे बच्चों के लिए ये भी नाम इसलिए रखा गया था कि ताकि सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति एकदम सद्भावना से काम सेवा कर सके, इसीलिए उसने टैरो नाम से वहाँ पे एक फाउंटेन लगवाया था ताकि बच्चे सब अपने पापा मम्मी की जो सेवा करते हैं। उसने क्या किया टैरो ने, सिर्फ उसके लिए, और उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसके पापा को ओनली एक शेक चाहिए था। उस शेक के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, बस अपने एकदम सच्चे भाव से अगर अपन ऐसे करते हैं सारे बच्चे अपने पापा मम्मी के लिए, तो
तो बहुत ही उनके लिए भी अच्छा होता है और उनकी भी मनोइच्छाएं पापा मम्मी की भी पूरी होती है। इस तरह इसीलिए उसका फाउंटेन का जो नाम रखा गया था टैरो, ताकि सारे बच्चे उस टैरो से सीख लें। ओके, थैंक यू।